नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। पिथौरागढ़ पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने साइबर सेल और सर्विलांस की मदद से आरोपी को यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दरअसल 16 अक्टूबर को सत्याल गांव निवासी भूपेंद्र सिंह मेहता ने थल थाने में शिकायत दर्ज की थी कि एक व्यक्ति ने उसे रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर नियुक्ति पत्र देकर 16,30,000 की ठगी की है। वहीं इस मामले में थल थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 420, 468 और 468 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। थल थाना और एसओजी के टीम ने साइबर और सर्विलांस सेल की मदद से संयुक्त कार्रवाई करते हुए वही आरोपी की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कमल धामा निवासी जिला सामली यूपी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक और आरोपी सुधीर मलिक की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह का कहना है कि आरोपी कपिल धामा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है, साथ ही दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। ये पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त की मेरठ से गिरफ्तारी की गई है। ये एक गैंग है जिसका ये मुख्य सरगना है, जो कि रेलवे में फर्जी नौकरी लगवाने के नाम पे लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे। जनपद पिथौरागढ़ में हमारे पास एक अक्टूबर के माह में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज की, जिसमें उसके उससे जो है 16,30,000 रुपये इस गैंग के द्वारा लिए गए। और ये रेलवे में फर्जी इंटरव्यू करवा के उसमें नौकरी लगवाने का जो है लोगों को बहला फुसला कर उनसे रुपए ऐंठते थे। इसके मुखिया हमने 3 अपराधियों को आइडेंटिफाई किया था, जिसके मुखिया जो सरंगना है, जिसको कल रात में हमने मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय पिथौरागढ़ में पेश किया जाए। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।